जर्नी स्टार्ट हुआ, मैंने फिर कोशिश की कि मैं सी शार्प सीखूं। सी शार्प सीखने के लिए मैंने लिटरली बड़ी जगह से पता किया। मेरे सिटी में कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मुझे सी शार्प या सी प्लस प्लस सिखा सकता। तो देन मैंने ओकाड़ा में चेक किया, ओकाड़ा में भी कोई नहीं था, तो लास्ट ऑप्शन लाहौर था। अब आई वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट सॉफ्टवेयर हाउसेस, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होते हैं, और मुझे बस इतना पता था कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस होता है उसके अंदर लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये नहीं पता था अच्छा कि इंटर्न इंटर्न पे जाते हैं, ये बस बताया था जिसने कि उसमें लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। और ये भी मेरे एक टीचर थे मोहम्मद अरशद, उन्होंने मुझे बताया था सॉफ्टवेयर हाउस में एक्चुअली प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो वो बताया जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर हाउस में होता है। हमारे यहाँ कुछ और होता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान जीन तो है, चलते वो हैं। तो नेक्स्ट तो लेवल है ना खैर पाकिस्तान। मैंने यूनिटी ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाई के बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर जो मुझे सिखा भी दे और आई मीन यूटिलाइज कर सकूं मैं खुद हाँ को जी। और अपनी स्किल्स एनहेंस कर सकूं। तो एक मिस्टर ने नीचे कमेंट किया, तो उनका उसके भाई का सॉफ्टवेयर हाउस था मिस्टर वलीद, और उन्होंने मुझे बुलाया फिर इंटरव्यू के लिए। तब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, तो मैं एग्जाम्स के बाद 2 माह बाद गया था। मेरी उनसे बात हुई थी आई थिंक अगस्त में, अगस्त से भी पहले, और मैं गया था सितंबर में। तो 1 सितंबर को मेरी लाइफ की पहली जॉब की ज्वाइनिंग थी, और उससे 2-3 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था। तो फर्स्ट इंटरव्यू जो था ना वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी। उसके बाद मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने 2-3 जगह पे और इंटरव्यू दिए हुए हैं, डेमो इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, वैसे इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, लेकिन वो मैं आई वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। इवन दो के वंस एक सीईओ जो था ना उसके हाँ साथ मेरी बात हो रही थी एक क्या नाम है इंटरव्यू के अंदर, तो मैंने उन्हें बताया कि बातों बातों में बातचीत हुई, तो मैंने उन्हें बताया कि RDA 2 की डेवलपमेंट में 8 साल लगे थे। तो ही वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट एक्चुअली और वेल अच्छे नॉलेज वाला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं उसको 5 साल लगे थे, मैंने कहा नो दैट टुक दैट ब्यूटी टुक ए ईयर। और उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज था कि शायद वाकई 5 साल लगे होंगे, लेकिन घर आके मैंने गूगल किया तो 8 साल ही लगे थे।